नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, हेलो। हाँ पुनीत जी, नमस्कार भैया। क्या नमस्कार दीपचंद जी। बस हाल चाल है सर जी? तो बढ़िया है, आप बताइए। सर जी आज तो जो है ये चुनाव आयुक्त ने बोला कि जो है 5 के बाद हम जो है चुनाव की तारीख की घोषणा करेंगे, ये तो बड़ा डरा दिया। एक चीज बताइए, जी सर। अगर चुनाव आयुक्त कहेगा हम चुनाव 5 तारीख को घोषणा करेंगे, जी तो जी आपके घर में या पड़ोस में जो गाय है, क्या वो दूध देना बंद कर देगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, और लेकिन अगर चुनाव आयुक्त आज आकर बोल देता कि नहीं चुनाव कैंसिल, तो भी क्या दूध देना बंद कर देगी? ना कत्ता ही नहीं। तो इस चीज को हम इसलिए बोल रहे हैं, समझिए कि जिसका जो काम है वो अपना काम तो करता रहेगा, हाँ तो जो जिस वक्त होना है वो चीज उस हाँ वक्त आ जाएगा सामने। चुनाव आयुक्त का काम है चुनाव से संबंधित चीजें करना, ठीक अरे है? बता रहे हैं, जब से ये घोषणा हुई है मैं मार्केट में था, फील्ड में, मैसेज मैसेज मेरे पास। अरे दीपचंद भाई ये क्या हो गया? हम कहा यार भाई साहब देखो हमारे कुछ समझ में आ नहीं रहा है मित्र, अब मैं घर बैठूंगा आराम से और तभी मैं इस पे कुछ बात करूंगा। तो ये हुआ पुनीत भाई से बात करो। हैं तो हम कहे ठीक है भाई, अगर पुनीत भाई समय दे देते हैं मुझे तो मैं जरूर बात करूंगा। लोगों को विश्वास भी नहीं होता है, और जब कुछ होता है नेगेटिव कहीं कुछ आता है सामने, तो लोगों को ये लगता है कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा। अरे भाई यही आज यही हुआ अचानक। अरे कुछ लोगों से मेरी जो है चैलेंज भी हो गई है अब आपको लेकर के। हैं अब समझ लीजिए कि आप इस भरोसे में चैलेंज कर दिए हैं बिल्कुल, आज हम। जो चैलेंज किए हैं शर्त भी लगा लीजिए उनसे, कोई दिक्कत अरे नहीं नहीं, है। अब शर्त क्या करें हम, वही कहा जाए कि अब जो चीज अपने हाथ में तो नहीं है लेकिन हमने चैलेंज कर दिया। हमका नौकरी मिलेगी तो इसी आधार पे मिलेगी, वरना कभी नहीं मिलेगी। और ये एक BA TET 2011 भले कोई माने या न माने, जी वास्तविकता यही है। अगर नौकरी, हम यहाँ अगर नहीं शब्द बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बात को कहने के लिए बोलना पड़ रहा है कि, हाँ बताइए। क्योंकि अगर मगर तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर बात को कहने के लिए बोल रहे हैं कि अगर नौकरी मान लेते हैं कि BJP नहीं दे पाती है, तो चाहे वो कोई आ जाए, अखिलेश आ जाए, मायावती आ जाए, या फिर केजरीवाल आ जाए, या फिर ओवैसी आ जाए, कोई आ जाए, 100% मानकर चलें कि फिर जिंदगी भर वो कभी सपना भी नहीं देख सकते कि नौकरी मिलने वाली है। ये तो बात एकदम 101% आपकी सही है कि अगर इस सिस्टम में हम नौकरी नहीं पा पाए बीजेपी के थ्रू, तो क्या गारंटी है कि अगर यूपी गवर्नमेंट आ जाएगी हमारे लिए, सोचेगी भी तो सेंट्रल में तभी 2 साल बैठे ही हैं। अब सेंट्रल हटना नहीं है, पक्का बता देते हैं, स्टेट में भले 19-20 हो जाए लेकिन स्टेट भी नहीं हटना है, मेरा अपना मानना है। क्योंकि मैं साइलेंट वोटर को देख चुका हूँ, साइलेंट वोटर को मैं देख चुका हूँ, साइलेंट वोटर 60% बीजेपी के साथ है। बिल्कुल, भले लोग जा रहे हों सपा की रैली में, भले आपसे बातचीत हो, वो चाहे कुशवाहा जी हों, मौर्या जी हों, पटेल जी हों, यादव जी हों, जो भी मुंह पर बोल दें, सबके सामने चाहे जो बोल दें, लेकिन वो साइलेंट वोटर हैं, वो जा करके चुपचाप जो है BJP को देकर आएंगे वोट। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा काफी आज परेशानी हुई है लोगों को। अगर इन द केस मान लीजिए, वो तो होना है ना होना, वो तो आपने कहा नहीं होगा, वो हम भी मानते हैं कि चुनाव नहीं होगा, टलेगा, लेकिन अगर इन द केस ये 5 फरवरी बोले हैं कि 5 जनवरी को हम उसके बाद जो है चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकते हैं, कर देंगे, तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या असर पड़ेगा हम लोगों पे? चुनाव आयोग 5 तारीख को सामने आएगा और घोषणा करता है कि हम चुनाव कराएंगे और हम ये चीजें कर लिए हैं, इस डेट में चुनाव होगा, यहाँ यहाँ होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ठीक, घोषणा कर दिया, उसके बाद पूरी तैयारी चलने लगी, पूरी तैयारी में पूरा हर जगह फोर्स लगा दिए गए, हर जगह ट्रेनिंग शुरू हो गई, हर जगह लोगों का जो चुनाव का सामान है वो भी जाने लगा, यानी सब कुछ होने लगा, फाइनल है, ठीक। कुछ इसी तरह मानिए कि जैसे कि किसी के घर विवाह है और आज ही होने वाला, पूरी तैयारी 6 महीने से चल रही थी और आज विवाह है, जी और शाम का वक्त हो चुका है, दूल्हा दुल्हन जी का बस कार्यक्रम शुरू होने वाला, जयमाल वगैरह, तो क्या आपने कभी अपनी लाइफ में देखा है कि दूल्हा दुल्हन जयमाल डालने वाले हैं, उससे कुछ ही समय पहले किसी कारणवश शादी रुक गई, हुआ है कि नहीं? हुआ है। कब क्या होगा, कुछ फिक्स थोड़े है। और अरे जो चीज दो प्रोग्राम फिक्स है कि टालना है, अब वो हाँ 5 तारीख के पहले टाल दें, 5 तारीख के बाद टाल दें, डेट घोषणा होने के बाद टाल दें, टलना हाँ अटल सत्य है, अरे टलेगा बस ही टलेगा। इसी बात चुनाव पे आयोग का जो देखिए, काम है वो अपना काम कर रही है बस। इसी बात पे चैलेंज हो गई है। और मैंने बड़े अच्छे अच्छे लोगों के सामने
ठोक के कह दिया कि चुनाव टलेगा। अगर चुनाव टला तो जान लीजिए कि वो लोग मुझे फोन करके बुलाएंगे और लोगों ने कहा अगर टल गया तो मैं तुम्हें मिठाई पहली बात तो खिलाऊंगा और ये जानना चाहूंगा कि भाई तुम्हें सोर्स मिलते कहाँ से हैं। टलना टल सत्य है, टलेगा ही टलेगा। हाँ तो हमने कहा ठीक है, तो फिर हमने कहा अगर चुनाव 5 तारीख को मतलब टल जाता है या ऐसा न्यूज आता है फिर मैं अगली रणनीति बताऊंगा आगे क्या हो रहा है। अब साहब हमारे 5 तारीख की वाली बात ना कीजिए, 5 तारीख को ही टलेगा ये कंफर्म नहीं, हमने पोस्ट भी नहीं कंफर्म नहीं है ये हमने कल या परसों पोस्ट डाला था 5 के बाद और चुनाव आयोग आज आके कह रहा है कि 5 तारीख को हम डिक्लेयर करेंगे। 5 तारीख यहाँ कॉमन हो गया कि नहीं? एकदम एकदम यही तो बात मैं कह रहा हूँ, मैंने इस पे तो डीटो कर दिया कि हमने भी 5 तारीख सुबह पोस्ट डाला है, हमने व्हाट्सएप पे डाला लोगों को और मुझसे भी बोला 11 बजे दिन को कि 5 तारीख के बाद सब कुछ आएगा सामने क्या होना है देखो। तो 5 तारीख की तो चुनाव आयोग ने भी बात कर दी, तो अब ये बात उनको और खटक गई कि आखिर ये 5 ही तारीख दोनों कॉमन क्यों हो गई। एक और कॉमन है क्या, सतीश द्विवेदी ने लेटर जारी करके जो झुंझुना दिया है 17,000-6,000 का, वो तारीख 6 है, 5 के ही पास वाला कि 5 के बाद वाली। अरे 5 के बाद हो मतलब कुल मिला के 5-6 मिलता जुलता है ना। हाँ, एकदम एकदम कॉमन आ गई। एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, एक दिन है तो कॉमन ही ना 5-6। एकदम 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 100% कॉमन है। तो सब प्री प्लान चल रहा है, सब कुछ होना है, बस आप ये देखिए ना कि हम कहते हैं चुनाव टलेगा, चलिए हम कह रहे थे ठीक, चुनाव आयोग को जो करना था वो करता, गवर्नमेंट को जो करना था वो करती, फिर कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट को कौन सा कीड़ी काट रहा था कि आकर के बोल दिया कि नहीं, बात तो सही, अरे करो। कल नैनीताल नहीं, यूपी हाई कोर्ट ने तो सभ्यता से कहा है कि आग्रह करते हैं कि चुनाव टाल दिया जाए, और नैनीताल हाई कोर्ट ने तो निर्देश दे दिया राज्य सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग को। ये आपने देखा होगा, सुना, मैंने वही तो सुन के अचंभित हो गया कि वो तो साफ कह रहा है कि चुनाव टाल दिया जाए। और एमपी में क्या हुआ, हमने शेयर किया था टेलीग्राम पर। अच्छा अच्छा, एमपी वाला तो हमें ध्यान नहीं आ रहा है, टेलीग्राम में जाइएगा, ग्रुप में होंगे ही आप टेट पास हॉल में। हाँ हाँ, ग्रुप है, ग्रुप में है। तो एमपी वाला हमने न्यूज डाला है, वो आप देखिएगा, तो एमपी का आप जब न्यूज पढ़ेंगे तो और आप जो है कंफर्म हो जाएंगे कि नहीं कंफर्म है, टलना ही टलना है। अरे भैया टल जाता हम लोग को नौकरी मिल जाती, मैं आज तो हम आके जो है ना बनारस में अपनी पूरी टीम के साथ आपको बढ़िया माला पहना के एमपी वाली न्यूज हम सुना देते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, कोरोना संक्रमण की वजह से रद्द किए गए चुनाव कर दिए गए। हाँ, ये कॉपी तो आपने डाली थी, ये इसमें लिखा है, इससे पहले एमपी में शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया, पंचायत चुनाव को रद्द करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अच्छा, पंचायत चुनाव था तो भाई कोई चीज अचानक से नहीं होता है, कोई भी जो वहाँ बैठा है वो एक भूमिका तैयार करता है, पूरी पृष्ठभूमि तैयार करता है, जैसे एक मूवी बनती है उसमें पता है कि जो है हीरो को मरना है तो कैसे मरेगा वो सब डिसाइड होता है, डायरेक्टर तय करता है कि यहाँ से उसे आना है, उधर से उसे आना है, गोली चलेगी हीरोइन को बचाने के लिए, हीरो आगे आएगा उसे गोली लगेगी, सब तैयार होता है ना कहानी। कोई जानता था कि गोली तो चल रही हीरोइन पर, हीरो मरेगा कौन जानता था, लेकिन हीरो आ जाता है क्योंकि हीरो को मरना है। तो जैसे वो स्क्रिप्टेड होता है सारी चीज, ऐसे ही यहाँ भी स्क्रिप्टेड है, बस ये है कि आम जनता को उस रूप में नहीं दिखाया जाएगा, आम जनता को एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में दिखाया जाएगा, कोई खबर आ जाएगी एमपी से, कोई खबर आ जाएगी नैनीताल से, कोई खबर यूपी से, हाईकोर्ट से, इस तरह की चीजें करा दी जाती है अलग अलग जगहों से, वो नेचुरल लगने लगे। अभी एक न्यूज अभी और मैंने सुनी, तो भाई हर न्यूज को मैं ये न्यूज हम आपको पूरा पढ़ के सुना दें, इसमें आगे जो लिखा है, इसके बाद प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया, उनकी मंजूरी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने निरस्त करने को लेकर अधिसूचना जारी की, यह खबर अभी अभी ब्रेक हुई, इस खबर को हम अपडेट कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि आपके पास सबसे पहले जानकारी पहुंचाएं, ठीक है। तो ये अभी कल का है, हमने कल ही शेयर किया था, तो जो प्रक्रिया है चुनाव को टालने का, वो राज्य सरकार प्रस्ताव अपने यहाँ से पारित करके राज्यपाल को भेजती है, राज्यपाल इस पर डिसीजन लेते हैं, ठीक है, न कि चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग इस पर डिसीजन लेगा। तो चुनाव आयोग का जो काम है वो अपना काम कर रही है, अब जो है या तो कोर्ट कुछ आदेश करे या केंद्र सरकार कुछ आदेश करे या राज्य अपना अपना ये करे,
तो कुल मिलाकर के फाइनली इसका जो प्रस्ताव बनेगा वो राज्य सरकार बनाएगी और फिर वो जाएगा राज्यपाल के पास। तो अब बताइए, योगी सरकार अगर प्रस्ताव बनाती है तो क्या राज्यपाल साइन नहीं करेंगे? कतई नहीं, वो तो एकदम तुरंत कर देंगे, रोक ही नहीं सकते। और दिक्कत क्या है चुनाव टालने में भाई? कोई दिक्कत नहीं, योगी जी उसके बाद पर उनका सपना क्या है, बीजेपी का सपना क्या है, जीत कर फिर हमें ही आना है। चुनाव टल जाएगा तो क्या कांग्रेस आ जाएगी कि सपा आ जाएगी? कोई नहीं आएगा। तो क्या फर्क पड़ता है चुनाव टालने से? अच्छा एक चीज और बताएं, अभी आज ही मैंने देखा कि मोदी जी ने कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग बुलाई और सबको सख्त निर्देश दिया कि कोई भी फाइल नए साल में रुकनी नहीं चाहिए, सेम डे काम होना चाहिए। नए साल में 2022 को अरे विशेष तौर पर विशेष तौर पर प्लान किया जा रहा है 2022 को। 2022 में जैसे अब तक लोगों ने जो भी बड़े बड़े काम देखे हैं, 2022 में रोजगार वगैरह को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं और बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, न सिर्फ शिक्षा विभाग में अन्य विभागों में भी। हाँ हाँ हाँ, हर विभाग में आंकड़े जुटाए जा रहे हैं जितने खाली पद हैं। हाँ, पहले हाँ। तो जो फालतू पद हैं तो उनको तो बंद ही कर देना कि इसकी जरूरत ही नहीं है। इसके बाद वो काम हो चुका है, उन पदों को समाप्त करने का कार्यवाही लगभग लगभग हो चुका है। और जो वास्तव में पद भरने हैं, जितने भी खाली पद हैं, चाहे बैकलॉग के हों चाहे जो भी हों, पिछले कई सालों से जो भी खाली हैं, सब इकट्ठा कर लिया जा रहा है, सब भरा जाएगा 2022 में। अब इसके बाद भविष्य में ऐसा योजना तैयार किया जा रहा है कि हर वर्ष हर विभाग के पद आएंगे, साल में एक या दो बार वैकेंसी निकलेगी, हर साल निकलेगी, चाहे भले वो 500 वैकेंसी निकले, 2000 निकले, हर साल निकालेंगे। जैसे यूपीएससी की आती है, हाँ वैसे ही, ताकि जो बंदा पढ़ाई कर रहा है अगर वो आना चाहता है तो एक बार वो इस साल ट्राई कर ले, अगर इस साल नहीं हो पाता फिर अगले साल उसको पता रहे कि भर्ती कब आने वाली है, हमें कितना समय है। ऐसा नहीं कि कभी आ रही है, 3-3 साल 4-4 साल लटके हुए है फिर आई नहीं रहा। बहुत दूर से बहुत बेहतरीन थिंकिंग के साथ बीजेपी चल रही है, पूरा सिस्टम ही सुधार रहे हैं ना, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, पूरा सिस्टम सुधार रहे हैं, उसके लिए समय चाहिए भैया। तो समय कैसे लेना है वो जानते हैं। यही है पुनीत भाई कि हम लोगों का सम्मान रह जाए, हम भी ठोक के कह देते हैं, कुछ जो है एकेडमिक टीम है उनसे मेरी भैंसी भैंसा भी हो जाती है, मुंह देख के एक दूसरे को घुमा लेते हैं, हैं? और कई बार कई प्रोग्रामों में मुलाकात हो जाती है, तो भाई अब है तो आपस के ही सब लोग, क्या करना, तो मुंह ही घुमा लिया जाता और कुछ नहीं किया जाता है भाई। चैलेंज हम भी कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं देखते हैं कितना दम है, ये नहीं होगा किस आधार। जो भी तो, कहता है, जो कुछ भी कहता है, चाहे वो न्यू एड वाले हो, चाहे 12 जिले 91 हो, चाहे 24 फरवरी हो, चाहे जो भी हो, उससे एक ही चीज कहा कीजिए कि तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, हम एक दिन मिठाई खिलाएंगे और तुम खाओगे। भाई हम तो कहीं देते हैं, हम तो कहीं देते हैं, तुम नहीं खिला पाओगे मिठाई, हम खिलाएंगे। अरे हमने तो भैया बता रहे हैं कि एक जगह ऐसे ही मेरी ऐसे जहाँ बैठ की होती है दुकान है, वहाँ पे मैंने चैलेंज रखे थे चुनाव टलेगा और 21 नवंबर को, हाँ 21 नवंबर को जब आपने डाला था पोस्ट, तो हम आँख मूंद के सबसे खाना शुरू कर दिए, तो लोगों ने मजाक लिया, कुछ लोगों ने हमारी बात को हवा में लिया, कुछ लोगों ने हमसे तर्क बिताया, कुछ लोग कहे पागल है जाने दो, मतलब ऐसे ही बोलता रहता है। तो जब ये बैटर आने लगा, जिस दिन हाईकोर्ट ने कहा उस दिन लोगों ने हमें इंटरेस्ट लेने लगे, पूछने लगे यार ये बताओ ये क्या मैटर है। तो इसी तरह से अब उसको कल नैनीताल हाईकोर्ट ने कह दिया, तो हमने कहा देखो वही आपकी बात बताया, मेरे सिस्टम है, एक बार कुछ होगा नहीं, सिस्टम तरीके से होगा। तो कहे भाई अगर चुनाव टल जाता है भाई तो हम लोग तुमसे सलाह लिया करेंगे, पूछा करेंगे। हम कहे 101% वाला। अब आज फिर मामला ये गर्मा गया कि चुनाव आयोग ने मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि चुनाव, बहुत सारे लोग है ना उनको मेरी बात गलत साबित करने का बड़ा ही कीड़ा काटता रहता है, भले वो भी इंतजार कर रहे हैं, मेरी बातों पर ही भरोसा। इंतजार तो सही बताएं आपको इस समय कंडीशन क्या है पुनीत भाई, भले लोग मुंह से बोल रहे हैं लेकिन एकेडमिक टीम के लीडर तक को भी अब अपने आप पे भरोसा दिख गया है मुझे जहाँ तक। ये बताइए, जिसका हाईकोर्ट ने खारिज किया हो, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया हो, उसका दिल अच्छे से जान रहा है कि हम तो खाली उल्लू बना रहे हैं, तो वो तो उल्लू बना रहा है खाली चंदा लूटने और सपा का प्रचार करने, सपा की तरफ लोगों को मोड़ने में, बस वो वही काम कर रहा है। तो इसीलिए ना वो दो तरफा गेम खेल रहा है, एक तरफ कचहरी भी, दूसरी तरफ
हम बहुत बढ़िया से देख रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो लेकिन गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही बननी है। वजह क्या है कि इसमें समाज में तीन तरह के लोग हैं सिस्टम में पूरे। एक तो है जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े, मैंने कहा कुल जनसंख्या को बांट लिया जाए वोटर्स के, तो वोटर्स तीन तरह के हैं। एक तो है किसी पार्टी से जुड़े, तीन या चार तरह के हैं। एक तो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सपा से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे भाजपा से हो, बड़ी पार्टियां जुड़े हुए हैं, ये तो अपनी राग अलापेंगे भी। उसके बाद कम से कम जितने वोटर्स हैं उसका 60% वोटर जो है, मतलब 50% है, 50% वोटर साइलेंट वोटर है। नौकरी करने वाले हैं, सीधे साधे लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, दुनियादारी से मतलब है, औरतें हैं, प्रतीक्षा से चलने वाले लोग हैं। तो इस तरह के 50% वोटर ये सीधे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आज भी। करेंगे ही करेंगे, अभी हम एक वीडियो देख रहे थे। और एक चीज और बताएं, जैसे अमिताभ अग्निहोत्री का एक स्टेटमेंट अभी था, बहुत दहाड़ के बंदा बोलता है, तो काशी कॉरिडोर मैटर पर किसी ने जब पूछा तो उसने जो बोला कि सबकी बोलती बंद हो गई, कहता है सारे पार्टियों के पास नैतिकता नहीं रही, बीजेपी नैतिकता के आधार पर जीत रही। उनकी बातों से जो लगा मुझे कि यही वो कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के पास नैतिकता भी बची हुई है। अगर बाबा विश्वनाथ का जीर्णोद्धार नहीं होगा तो किसका होगा? राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या होगा? अच्छा, आते हैं इस पॉइंट पर जो आपने उठाया है अभी। दो उदाहरण लेते हैं और दोनों इन्हीं के कार्यकाल का लेते हैं, एक अयोध्या मुद्दा, एक काशी विश्वनाथ मुद्दा। दो मुद्दे हैं, दोनों विवादित रहे हैं, दोनों हिंदू और मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं और दोनों काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं। एक मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होकर के आता है और दूसरा मुद्दा जो है गवर्नमेंट खुद ही फैसला कर डालती है, ठीक है। तो अब क्या है, उस मुद्दे को पिछली गवर्नमेंट ने इस तरह से बना दिया अयोध्या मुद्दे को कि उसको हाथ लगाने से पहले लोगों को हजार बार सोचना पड़ता था। अरे हजार बार, वो मुद्दा था नहीं, बस था कुछ नहीं। देखिए कितने आसानी से हल हुआ, कुछ बना मुद्दा नहीं बना, कुछ नहीं भैया। लेकिन उसको जो है हवा बना दिया गया था इतना कि उसको कोई छूने ही नहीं जाता था। वहीं इस मुद्दे को हाईलाइट करने ही नहीं दिया गया, काशी विश्वनाथ को ज्यादा बड़ा बनने नहीं दिया गया, आराम से कॉरिडोर बन गया, कुछ भी नहीं, बवाल हुआ। तो कोई चीज को करना है या नहीं करना है, पहले सबसे पहले होता है कि डिसीजन, कि हम एक डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं। तो इन्होंने डिसीजन लिया, एक मुद्दा वो भी हल करा दिया सैकड़ों सालों का, और यहाँ तो मुद्दा ही नहीं बनने दिया, कॉरिडोर बना डाला और जितने घर वहाँ थे बड़े आराम से सबसे जो है उनके सहमति के साथ वो पूरी उधर की जमीन ले लिए, सब कुछ कर डाले, मुआवजा भी दिया खूब। तो ये तो आपको विधिवत पता होगा, आप तो वहीं के हैं। तो किसी चीज को करने या न करने की मनसा पर डिपेंड करता है, उनकी मनसा क्या है आप बताइए। नहीं तो भले हम बात कर लें हिंदू मुस्लिम की, आते हैं मुस्लिम वर्ग पर, क्योंकि जब चुनाव आता है तो हिंदू और मुस्लिम ये धर्म वगैरह भी आ ही जाते हैं। तो आप बताइए ऐसी कौन सी मुस्लिम महिला होगी जो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहेगी ट्रिपल तलाक को लेकर, उसके दिमाग में नहीं होगा? ट्रिपल तलाक को लेकर के सबको आवाज मिला है, सबको गल्ला मिल रहा है और सब बढ़ चढ़ के अपना ले रहे हैं, कर रहे हैं, सब तो खुश है, सबके मकान बन गए भाई अच्छे अच्छे। जिनके पास मकान नहीं थे, पन्नी डाल के रह रहे थे, मैंने उनके मकान देखे हैं। तो अब ये बताइए उनसे जब कोई बात करेगा वो भले मुंह पर न बोले लेकिन जब बटन दबाने जाएंगे तो उनका क्या दिल करेगा? वही कह रहे हैं ना कि साइलेंट वोटर है सब, चुपचाप वोट दे देंगे अपना बीजेपी को, काम खत्म, जाओ। बिल्कुल, आप अपने ही वर्ग में देख लीजिए ओबीसी में जी, ठीक है, चाहे वो मौर्य जी हों, कुशवाहा जी हों, पटेल जी हों, यादव जी हों, जो भी हों। अभी हम एक उदाहरण यादव जी का ही लेने जा रहे थे, एक क्षेत्र में एक टीवी प्रेस रिपोर्टर जाता है, एंकर जाता है, वो जाकर के वहाँ बात करता है लोगों के बीच में। वहाँ जितने लोग बैठे थे वो समाज ही था यादवों का पूरा, सब यादव बैठे थे, ठीक है। उसमें से एक व्यक्ति ज्यादा बोल रहा था, उसी से वो बात करती है लेडी, वो इतने तर्क देता है, इतना सब कुछ करता है, कहता है कि अखिलेश भैया जो है इतना ही थे तो क्यों नहीं जो है मथुरा में कुछ करा दिए। ये अम्बेडकर नगर का वीडियो है। हाँ, ये अम्बेडकर नगर का वीडियो है और पूरा यादव समाज था, उसने तो एकदम धो डाला इनको। उसने अंत में यही कहा ना, ठीक है अगर सब कुछ कर दिए हैं, वो मुलायम सिंह यादव थोड़ी तारीफ कर रहा था, खूब तारीफ कर रहा था, अखिलेश जी का विरोध कर रहा था, वो गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आदमी था, काफी अच्छे लैंग्वेज में बोल भी रहा था, ठेठ भी, पत्रकार भी ठेठ बात कर रही थी। ये अम्बेडकर नगर का है वीडियो, हंसी मजाक के अंदाज में बात, हाँ हंसी मजाक के अंदाज। उसने तो यही कहा ना, ठीक अगर सब कुछ सही है
अशोक मथुरा वाला बनवा दें, हम खुश हो जाएंगे। हाँ, हाँ। तो वही बात है, भले यादव जी लोग कहें कि भाई हम यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज हैं, जो भी कह लें, तो अगर यादव यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज हैं, तो अखिलेश क्या कहीं और से तो आए नहीं है? तो वो ठीक है, अयोध्या मुद्दा विवादित था, काशी मुद्दा विवादित था, सब सॉल्व हो गया। वहाँ मथुरा में क्या था, वहाँ कुछ करा दिए होते, एक कार्यक्रम कर दिए होते बढ़िया से। अच्छा अच्छा, अभी बताइए, चलिए थोड़ा सा कि अगर चुनाव हो जाता है, मान लीजिए आचार संहिता लगता है, तो हम लोग का काम चलता रहेगा? पहले बात तो अगर है ही नहीं, दूसरी बात चुनाव होना ही नहीं है, और तीसरी बात हम बार बार कहते आए हैं, अगर फिर भी आप लोगों के कहने से मान लेते हैं, मान ही लेते हैं कि चुनाव हो गया, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सब तो केंद्र की तरफ से है। तो भी तो स्टेट में ये होगा ना कि आचार संहिता लगी हुई है, नई चीज न देनी, वोटर जो है मोटिवेट होंगे, ऐसा हो सकता है? तो पहली बात तो चुनाव जीत का कोई आए, काम रुकने वाला नहीं है। थोड़ा सा चुनाव अगर होता है तो चुनाव तक तो फिर काम रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर मगर कुछ है ही नहीं, इफ बट है ही नहीं, चुनाव नहीं बस, हो रहा है। बस बस हम यही आपसे सुनना चाह रहे हैं कि इफ बट है ही नहीं, 5 तारीख को सीधे इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन ये, लेकिन आप माइंड में मत रख के चलिए कि 5 ही को वो घोषणा होगा या बोल उन्होंने कहा है ना, 5 के बाद कहा है ना। इसकी जो प्रक्रिया है, जैसे अभी हमने पढ़ करके सुनाया कि शिवराज सरकार ने पास करके राज्यपाल के पास भेजा है, ऐसी ही प्रक्रिया यहाँ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सिस्टम है, जो उसका प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से चुनाव टलेगा। और इसका जब आप प्रोसेस गूगल करके पढ़ लीजिएगा, ऐसा ही होता है, प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल इसकी मंजूरी देते हैं। तो यूपी में भी ऐसे ही होगा कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार अपना अपना स्टेटमेंट देगी, कहेगी भैया चुनाव रोक दो। अभी तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, अभी रैलियों पर रोक लगाया गया चुनाव आयोग के माध्यम से, अभी तो रैलियों पर धीरे धीरे चीजें कर रहे हैं ना। आप ये भी जानिए ना कि हम जब भी गेम खेलेंगे, ताश मेरे हाथ में भी पत्ते हैं, आपके भी हाथ में पत्ते हैं, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है वो जो कोशिश नहीं करता है कि सामने वाले का हाथ का पत्ता हमें दिख जाए, पता चल जाए? तो इसका प्रयास तो हर कोई करेगा ना। तो जब हम शुरू में ही चुनाव रोक देंगे तो हमें सामने वाले की स्ट्रेटजी कैसे पता चलेगी? करने तो नहीं, नहीं, सामने नहीं, वाले को पूरी तैयारी, मैदान में आने दीजिए, इसकी स्ट्रेटजी खुल कर आए सामने। आज आपसे बात हो गई ना, तो ये मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया। मैं थोड़ा सा टकमगा गया था, कह रही यार तो अगर मान लीजिए कर दिए तो क्या होगा? बाप बता रहे हैं कि सीधी बात इफ एंड बट है या नहीं है, तो खत्म बात, मैं यहीं पे मान लेता हूँ। चुनाव आयोग को घोषणा करने दीजिए, तारीख भी आ जाए, तैयारी भी हो जाए, दूल्हा घोड़े पर बैठ भी जाए, तब भी विवाद रुक जाएगा। हुआ भी है भाई, विवाह रुका भी है, ऐसा नहीं है। बस यही आज बड़ी बेचैनी हो रही थी लोगों को, तो लोगों ने हमको मैसेज किया, अभी भी जस्ट फोन आया एक लोगों का मेरे पास, कह रहे भैया कुछ पता चला? हम कह यार पुनीत भाई कोई वीडियो भी नहीं आया और बातचीत भी नहीं मेरी हुई कर किसी से। मैंने अभी वीडियो लेटेस्ट देखा तो अभी 8 घंटा पहले का आपका वीडियो पड़ा हुआ है लास्ट। अभी एक लोग से बात हुई थी, इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी, वीडियो आपसे बात कर रहे हैं और फाइनल हो चुका, बन ही रहा है। अच्छा, और अब आज टाइम काफी हो चुका है तो 9:30 हो रहा है, अब अपलोड तो नहीं करेंगे, कल सुबह आ जाएगा वो, उसमें है इसका जिक्र पूरा। दूसरा डालने वाले थे लेकिन तब तक ये इस पर चर्चा हो गई, लगातार मैसेज आने लगे, तो एक दूसरा था मैटर उस पर डालने वाले थे, लेकिन अब इस पर चर्चा की लेटेस्ट ये चल रहा है तो हम कहीं इसी को डाल देते हैं, तो वो वीडियो बन चुका है, अपलोड कर देंगे, सुबह आ जाएगी। अच्छा अच्छा, नहीं हम तो भैया जितना भी रहता है 8 घंटा पहले का वीडियो देखे तो वही लगाए हेडफोन हमको सुने, फिर एक लोग का फोन आ गया तो उन्होंने कह रहे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, हम कह चल को पुनीत भाई फोन लगाते हैं, अगर बात हो जाती है तो आपको हम बताते हैं क्या है कैसे। क्योंकि लेटेस्ट मुद्दे पर फटाफट वीडियो बना करके डालना, अब इतना वक्त होता नहीं है कि हम तुरंत ही कोई चीज आया तुरंत ही डालें, अब उसी के सहारे तो बैठे नहीं, वही काम तो है नहीं बात तो है भाई। अब हम भी पढ़े हैं, हमें भी जानकारी हुई पूरी, अब फिर किसी से चर्चा होगी, वीडियो बनेगा, फिर जाएगा, 1-2 दिन कभी कभी डिले हो जाता है, कभी खाली रहते हैं, सेम डे में डाल देते हैं भाई। थोड़ा लोगों को चर्चा करने दीजिए, उबलने दीजिए, सोचने दीजिए, तब तो वीडियो पढ़े। ये हमने जो है पता लगा 4-6 लोग भी चर्चा की, क्योंकि बातों को फैलने में हर आदमी काम काजी है, 2011 वाला तो कोई भी बात उसके तक पहुंचने में लगभग 24 घंटे लग जाते हैं, 24 घंटे में नियर अबाउट सबको पहुंच जाते हैं भाई। कोई आदमी है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, सुबह 10 बजे निकल गया है, रात को 9 बजे आया, उसका दिमाग तो खराब है कि आज DSR भेजनी है, ये करनी वो करनी है, बात को ये करना वो करना, फिर उसका थका रहेगा, अच्छा करके फिर सो जाएगा खा पी के, फिर सुबह जब वो उठेगा पेपर ऊपर देखेगा या अगल बगल किसी से बात थोड़ी हो, क्योंकि सुबह 1 घंटा उसमें समय रहेगा, तो वो इंटरेस्टेड है तो आपकी वीडियो, आपके जो फेसबुक, आपके टेलीग्राम को चेक करेगा,
तब उसको कुछ मिलेगा। तो कुल मान के चलिए कि 24 घंटे लगते हैं न्यूज को स्प्रेड होने में पूरी तरह से। बहुत सारे तो, लोग हैं बस वो एकदम खाली है बैठे हैं, दिन भर लेकर के नेट ही चला रहे हैं, यूट्यूब ही देख रहे हैं, उनको तो चाहिए तुरंत मसाला। एक तो जाड़े का मौसम, सो उठे 10 बजे रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक चला रहे हैं, तो उनको क्या है। बिजनेस मैन है, उनकी दुकान है, अपनी दुकान बैठे हैं, ग्राहक आया तो सामान दिए, नहीं अपना बैठे हुए। जो बंदा फील्ड का वर्कर है या टीचर है, टीचर इसे आप ही टीचिंग करते हैं, हम भी अपना काम करते हैं LIC का, तो फील्ड में निकल जाते हैं, दवा का काम है तो अपना काम करते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं लोगों से। तो वही तो बेटर है, जानकारी आई है। सुबह क्या आई ये जानकारी आई? करीब ये जानकारी करीब 1 बजे के आसपास आई, 12 के बीच। तो वही दोपहर में आई है, अब हमें भी जानकारी हुई। अब यही तो काम है, नहीं हम व्यस्त थे, फिर जो है थोड़ा शाम को फ्री हुए हैं तो एक बंदे से बात हुई, वो भी बात हुई है करीब 7 बजे के आसपास। अभी आपसे बात हो रही है, देखिए 9:30 बज रहा है। अच्छा, एक बंदे से 7-8 बजे के आसपास बात हुई है, तो 7 बजे बात हुई, फिर उसको हम वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, तो फिर वो आएगा। तो अब टाइम तो बचा नहीं है, अभी 9:30 बज रहा है, रात में क्या डालने जाए। तो सुबह जो है वही 5:30 बजे अक्सर सुबह डालते हैं, तो अपलोड करके कर देंगे 5:30 बजे। अच्छा, हो जाएगा, देख लेंगे लोग। एक बात और क्लियर करिए, वो भी इत्तेफाक से 5 जनवरी डेट कॉमन हो रही है। हमें एक बात पता चली है कि ये 30 अक्टूबर को कोई ऐसी रीट पड़ी है BTC या किसी के द्वारा या PIL जो भी है, कि ये टेट पास आल का मैटर थोड़ा सा जब मुद्दा उठा है या ये YouTube पे वीडियो जारी हुआ है, क्या इस पे भी कोई जैसे DLED वाले या कोई कोर्ट गए हुए हैं कि ये सीट कैसे दी जा सकती है सबको एक तरफ से? इसकी तरह तरह के खोपड़ी वाले लोग हैं। अगर क्या 5 जनवरी को, 5 जनवरी को ऐसी डेट भी है, हियरिंग है इस पे, तो ये भी डेट वो कॉमन हो गई? ये हाँ, ये बात मुझे पास 1 हफ्ता पहले आई थी। नहीं, अगर इस तरह का कुछ किसी ने डाला है तो पहले डाला किस बिहाफ पर? गवर्नमेंट तरफ से तो कोई अभी अनाउंसमेंट है नहीं। हाँ, तो किस बेस पर वो कोर्ट गया? मान लीजिए तुमको कौन सा सपना आ गया कि तुम चले आए? नहीं नहीं नहीं, कोर्ट हो सकता है, कोर्ट में वकीलों के पास बहुत रास्ते होते हैं, तो उन्होंने कोई रास्ता ढूंढ करके कह दिए, तो गवर्नमेंट को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है? अब वो कोर्ट हर चीज तय करेगी या कैंडिडेट तय करेंगे? अगर गवर्नमेंट ये काम करेगी तो बताएगी किस बिहाफ पे कर रही है, कैसे कर रही है, क्या प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में आपको अगर कहीं खामी नजर आएगी तो तब आइएगा, अभी तो नहीं आया। जो विज्ञापन आया ही नहीं, जो भर्ती आई नहीं, जो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, उसको कोई कैसे चैलेंज कर देगा? भविष्य में 51,000 भर्ती, 97,000-70,000 कोई भर्ती आनी है, अभी आई नहीं है। अब कोई अभी से कैसे जाकर उसमें कर सकता है? नहीं, उम्र उसमें 40 साल की रखा जा रहा है, 58 साल किया जाए, 70 साल किया जाए, कुछ भी। वो जब आएगी तब ना उसको हम चैलेंज करेंगे कि नहीं इसमें ये चीज रखा गया है, ये नहीं ये होना चाहिए। तो पहली बात तो कोई गया नहीं होगा, इतना मूर्ख तो हमें नहीं लगता कोई होगा। अगर कोई गया है तो सच में वो मूर्ख ही है पूरा। हाँ, वही हमारे पास ये बात आई तो हमने कहा कि भाई अब 1 हफ्ते पहले आई, तो हमने कहा अच्छा चलिए देखते हैं, पता करते हैं, अगर बात होती है तो बताते हैं। तो आज आपसे बात हो गई तो मैंने कहा चलो ऐसे पूछ लेते हैं। बस उसके लिए निश्चित है, ऐसा कहीं कुछ है नहीं, जो भी गया होगा तो मूर्ख है, और हमें नहीं लगता है कि इतना बड़ा मूर्खता कोई करेगा, ऐसा कोई व्यक्ति गया होगा। वो सुनील यादव जैसे लोग ही मूर्खता करेंगे कि मूर्खता क्या करेंगे, वो लूट चक्कर में कि हाई कोर्ट खारिज, सुप्रीम कोर्ट खारिज, उसके बाद उल्लू बनाए पड़े हैं कि भैया हम ये कराएंगे वो कराएंगे। तब तो खारिज हुआ है उसका। चलिए, तब तो हम तो भैया कल से टंकी चोट पर ठोके रहेंगे कि 5 तारीख आने तो देते हैं ना। हाँ, और 5 तारीख मत कहिए भाई, 5 को चुनाव आयोग को जो कहना होगा वो अपना कहेगा, बाकी जो प्रक्रिया है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, उस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन का मैटर, बस इलेक्शन के मैटर की बात कर रहे हैं, जिससे जो भी आप कहिए, 5 एग्जैक्ट मत बोलिए, 5 के बाद कभी भी हो सकता है चुनाव आयोग स्वयं कुछ फैसला ले ले, हो सकता है राज्य सरकार अपना प्रोसेस पूरा करे, जो प्रक्रिया है वो भेजे, या हो सकता है चुनाव आयोग खुद ही कह दे कि राज्य जो है राज्यपाल को भेजें प्रस्ताव, कुछ भी हो सकता है। 5 को हो या 6 को हो या 7 को हो, 5 के बाद कभी भी हो जाएगा। 5 के बाद ही होगा। चुनाव आयोग अगर तारीख वारीख घोषणा कर देता है उसके बाद भी सब हो जाएगा, रुक जाएगा, रुकना तय है। चलिए तब ठीक है, ये तो दूसरी बात आपने क्लियर कर दिया, उसके बाद भी रास्ते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, जब तक जो है पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं हो जाती है, जो भी प्रक्रिया है उसकी सब कुछ संपन्न होता है, तो बीच में तो कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, बस यही कंफ्यूजन थी, काफी सब लोग हमको परेशान किए थे, बात भी आपसे हो गई।
चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे होता है, किस रूप में होता है। चलिए ठीक है, ठीक भैया, ठीक, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार भैया।